बच्चों को सादर नमन करते हुए प्राचार्य महोदय संजू अग्रवाल जी का और एनएसएस के कोऑर्डिनेटर श्री शिवराम शर्मा जी का हृदय से आभारी हूँ कि जिन उद्देश्यों को लेकर पानीपत में कोई भी उन दिनों गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता था, 2008 में जब देश बंधु गुप्ता राज के कॉलेज बनाने की बात आई तो सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री निवास पर यह मांग रखी थी कि पानीपत के अंदर एक महत्वपूर्ण शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम रतिराम देशबंधु गुप्ता था। वे पेशे से पत्रकार थे, फ्रीडम फाइटर थे और पानीपत से लेकर शिमला तक एक लोकसभा सीट होती थी जब वो मेंबर पार्लियामेंट बने। ये हमारे पानीपत का सौभाग्य था। पानीपत में ही जन्मे, पानीपत में ही उनकी शादी हुई श्रीमती सोनम देवी गुप्ता जी के साथ और पानीपत से निकलकर वो दिल्ली जब गए तो वर्ष 1921 में उन्होंने देशबंधु समाचार पत्र की स्थापना की जो कि 4 दिसंबर 1921 को शुरू हुआ था और 4 दिसंबर 2021 को 100 साल पूरे हो चुके हैं इसी महीने। ये उनका जन्म शताब्दी समाचार पत्र का है और 14 जून 1901 को देशबंधु गुप्ता जी का नाम नामकरण हुआ था। शुरुआती दौर में उनका नाम रतिराम था लेकिन उनकी राष्ट्र की सेवाओं को उनके सामाजिक व्यक्तित्व को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनका नाम देशबंधु गुप्ता से नवाजा था और ये बहुत बड़ी शख्सियत थे। कैसे कि पानीपत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 बार लेकर आने वाले रतिराम देशबंधु गुप्ता ने पानीपत के विकास की बात कही और सबसे पहले वर्ष 1932 में पंजाब से अलग हरियाणा की मांग भी उन्होंने ब्रिटिश जेल में रहते हुए की थी और कहा था कि यहाँ की संस्कृति, भाषा, पहचान और यहाँ के लोगों का रहन सहन पंजाब से भिन्न है, इसलिए इसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ये अलग बात है कि 21 नवंबर 1951 को उनका कलकत्ता में जब वे जा रहे थे तो विमान दुर्घटना में निधन हो गया था और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना उनके बाद। लेकिन सबसे पहले आज़ादी के तुरंत बाद और उससे पहले भी उन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कई बार रखी थी और 7 बार आज़ादी के लिए जेल जाने वाले आज उस वीर महान सपूत को मैं नमन करता हूँ कि वर्ष 2008 में जब डाइट बिल्डिंग में ये कॉलेज खोला गया था उस समय हर साल मुझे जयंती और पुण्यतिथि पर बुलाया जाता था, बच्चों के साथ मैं सेलिब्रेट करता था, किताबें साहित्य बांटता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन सेक्टर 18 में आने के बाद ये पहला मौका है क्योंकि मैं भी एनएसएस का बेस्ट कैडेट रहा 1995 में जब हमारे स्कूल में पानीपत में पढ़ा करते थे। आज हाली पार्क में श्रमदान शिविर चलता था, आज आप लोगों के बीच आकर बहुत प्रसन्नचित हूँ, बहुत खुशी हुई दिल से। और जैसा कि प्रोफेसर राम श्री राम शर्मा जी ने बताया कि देशबंधु गुप्ता वाकई में बहुत बड़ी शख्सियत थे, इतने सहनशील थे कि उन दिनों जब उनका जन्म हुआ और पानीपत में लाइट नाम मात्र की थी, 1921-22 का दौर था, लाइट अगर चली जाती थी रात के अंधेरे में तो एक बार एक ऐसा हादसा हुआ था कि देशबंधु गुप्ता जी की पत्नी थी सोना देवी गुप्ता जी, उन्होंने उनको थप्पड़ रसीद कर दिया था अंधेरे में बिकोण गौशाला घर के अंदर। तो ये वाकया है, उन्होंने जब उनको थप्पड़ रसीद किया तो उन्होंने उल्टा अपनी पत्नी को डांटने की बजाय उनकी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि मैंने आवाज नहीं निकाली, मैं सीधा घर में आया इसलिए सोच के आज मेरा घर है, लेकिन मुझे नोक करके आना चाहिए था, आवाज करके आना चाहिए था। तो ऐसे सहनशील व्यक्तित्व जिन्होंने आजादी दिलाने में महती भूमिका निभाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिनको और राष्ट्र देशबंधु गुप्ता की उपाधि से नवाजा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनकी अर्थी को कंधा देते हुए कहा कि आज हरियाणा और दिल्ली सुन्नी हो गई क्योंकि देशबंधु गुप्ता 21 नवंबर 1951 को प्लेन दुर्घटना में मारे गए और 22 नवंबर को उनको दिल्ली का सबसे पहला मुख्यमंत्री बनाने की ताजपोशी होनी थी। लेकिन ये सौभाग्य उनके शायद भाग्य में नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में आज उनको याद करते हुए अभी 21 नवंबर 1951 को देशबंधु गुप्ता जी की हमने पुण्यतिथि मनाई। पानीपत के देशबंधु को सेक्रेट में भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है और दिल्ली में भी अजमेरी गेट में उनकी प्रतिमा है।
कलकत्ता में भी उनके नाम से देशबंधु गुप्ता राजकीय कॉलेज है, दिल्ली के अंदर भी देशबंधु गुप्ता राजकीय कॉलेज कालका जी में है, और पानीपत में सेक्टर 18 में इन दिनों देशबंधु गुप्ता राजकीय कॉलेज। लेकिन दोनों कॉलेजों में, कलकत्ता हो दिल्ली हो, हम हर बार जयंती पुण्यतिथि पे जाते हैं। वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, बच्चे आते हैं एनएसएस का। तो मैंने पहली बार एक अद्भुत समन में देखा कि 22 23 25 वर्षों के दरमियान आज मैं एनएसएस के बच्चों के बीच में आया। श्री राम जी ने एक बहुत बड़ा सेतु बांधने का काम किया कि आज देशबंधु गुप्ता जी का अखबार का भी 100 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी मृत्यु को भी 121 साल पूरे हो चुके हैं। और बच्चों 21वीं सदी का 2021 का साल है और 21 नवंबर को उनकी हमने 121वीं जयंती मनाई है। ये बहुत शुभ है क्योंकि मेरे को देशबंधु गुप्ता जी की पत्नी सोना देवी गुप्ता भी फ्रीडम फाइटर थी और आजादी के लिए 4 बार जेल गई, पानीपत की बहादुर बेटियों में नाम था उनका। और उन्होंने एक बात की थी, बेटे आप जो देशबंधु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर काम कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि 21वीं सदी का 2021 का साल आप बिल्कुल स्वस्थ रहकर जियोगे और आने वाली पीढ़ी को एक नया मैसेज दोगे। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने कोविड काल में हमने एक कोरोना योद्धा के रूप में, एज ए मीडिया पर्सन, एज एक अधिकारी के तौर पे हम लोगों के बीच गए, लोगों की मदद करी और 21वीं सदी के इस 2021 के साल तक आते आते हमने 121 लोगों की 5100 रुपए से अपनी जेब से आर्थिक मदद देकर, जो वाकई में निडी थे, उनकी मदद देकर हम इतने शख्सियत के रूप में हमने स्थापना की कि परमपिता परमात्मा ने हमारा जीवन भी बचाया और काफी लोगों की जान बचाने का हमने काम किया। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भारतवासियों और मेरी प्रिंसिपल मैडम और श्री राम शर्मा जी से भी मैं एक ही अनुरोध करूंगा, जब भी आप कोई संदेश दें तो देशबंधु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जरूर प्रकाश डालें। उनके नाम से कोई, जैसे पानीपत के आर्य कॉलेज में ऑडिटोरियम है देशबंधु गुप्ता जी का, ऐसा नहीं एक भी फ्रीडम फाइटर थे, 75वीं शख्सियतों के रूप में प्रधानमंत्री जी ने, मैंने 139 फ्रीडम फाइटरों की लिस्ट सौंपी थी, उन्होंने कहा भी देशबंधु जी का बहुत बड़ा नाम था, पानीपत से सिर्फ देशबंधु जी का ही चयन हुआ है, जो कि 75वीं अमृत महोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं उसमें उनको 75 शख्सियतों में 75 जिलों में शुमार किया है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देशबंधु गुप्ता जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, उन्होंने जब अखबार की स्थापना की तो उन्होंने उस समय स्टूडेंट के तौर पर उनके पास आना जाना शुरू किया और दैनिक देशबंधु के वो बहुत बड़े प्रशंसक थे। आज भी मैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो देश के अर्थशास्त्री है, उनके पास जब भी जाता हूँ, और जब वो प्रधानमंत्री थे ऐसे आना जाना होता था जैसे मैं आज देशबंधु कॉलेज में सीधा आ गया और आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत इज्जत करते हैं और पानीपत के लोगों की, कोई कहते पानीपत के हैं तो वो कहते हैं पानीपत से अच्छा देशबंधु जी की जन्मस्थली से, तो हमारा गर्व के साथ सीना चौड़ा हो जाता है कि देशबंधु गुप्ता पानीपत में बड़ी पहाड़ में लाला साधीराम गर्ग के यहाँ जन्मे और पैदल 20 रुपये से वो दिल्ली गए थे और आज उनका इतना बड़ा कारोबार है देशों विदेशों में कि आज उनके बच्चे, उनके 5 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं और हमने 48 फंक्शन प्रधानमंत्री निवास पर और मुख्यमंत्री निवास पर, गवर्नर हाउस में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, जिस भी स्टेट में फंक्शन किए, प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आते थे और उस टाइम के जितनी भी बड़े शख्सियत थे, मुख्यमंत्री थे, सब आते थे। बाई नेम अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अथक संघर्ष से नहीं घबराना, बाई नेम आपका आइडेंटिटी हो, हर व्यक्ति ये जाने मैं श्री राम शर्मा हूँ, मैं संजू अग्रवाल मैम हूँ, प्रिंसिपल हूँ, बाई नेम बाई फेस। रात को जब सोते हैं हम लोग, आपके व्यक्तित्व पे इतना प्रभाव होना चाहिए कि भी प्रिंसिपल संजय अग्रवाल जी ने आज मुझे ये लेक्चर दिया और श्री राम जी ने देशबंधु जी के बारे में ये लेक्चर दिया और जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं उसके इतिहास के बारे में जानना हम सब का दायित्व है। और देशबंधु गुप्ता, एक बड़े गर्व की बात है कि आप देशबंधु गुप्ता राजकीय कॉलेज से एनएसएस का शिविर आज समापन की ओर है, इस पर आप प्रमाण पत्र भी लेकर जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। और प्रिंसिपल संजू अग्रवाल जी को भी बधाई देता हूँ, श्री राम शर्मा जी का खास तौर पर, कि काफी दिन से हमारी चर्चा हो रही थी विदेश बंधु गुप्ता सेक्टर 18 में जो कॉलेज बना, जब से शिफ्ट हुई बिल्डिंग तब से हमारा आना नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कोई अवसर नहीं आया होगा शायद कि हमारे को बुलाया जाए। लेकिन बच्चों,
28 साल से मैं देश बंधु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर काम कर रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने उनके नाम से साहित्य अकादमी और उर्दू साहित्य अकादमी की तरफ से 2-2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब तक 18 लोगों को हम पुरस्कार दे चुके हैं। उनके नाम से पानीपत के सचिवालय में देशबंधु गुप्ता प्रतिमा स्थापित है और देशबंधु गुप्ता लाइब्रेरी उसी सेक्ट्रेट में स्थापित है नीचे ग्राउंड में, और पानीपत के सेक्टर 18 में देशबंधु गुप्ता कॉलेज है, जो कि मुझे उम्मीद है आज मैं एक संकल्प लेकर जाना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल मैडम और श्रीराम शर्मा जी प्रोफेसर साहब NSS का जो इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कैंप लगाया, उन दिनों 10 से 15 दिन का कैंप होता था और बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। NSS का बेस्ट वॉलेंटियर होने के नाते मैं ये बात कहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना को हरियाणा सरकार ने सूचीबद्ध किया है और इसकी एक सूची बनाई जा रही है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हरियाणा का शिक्षा मंत्रालय NSS के बच्चों, जितने भी बच्चे हैं बेस्ट वॉलेंटियर हैं या जिन्होंने प्रमाण पत्र लिया है, जिन्होंने अपना अंशदान देकर यहाँ पे साफ सफाई में सहयोग किया है राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए, उन बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन जितनी भी सूचीबद्ध होंगे उनको जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। और आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए यही कहना चाहूंगा कि देशबंधु गुप्ता वाकई में बहुत चरित्रवान व्यक्तित्व थे और हमें आज उनके बताए पद चिन्हों पर चलने की और पानीपत में देशबंधु गुप्ता को जानने की हर बच्चे को जरूरत है। अगर उन जैसे व्यक्तित्व कोई बने, मैं अपने 26 साल के जोन के ऊपर रिसर्च करते हुए PhD भी किया, बच्चों ने हमने भी PhD कराई है और खुद भी PhD करी है MPhil करने के बाद, MA IB कॉलेज से करने के बाद। तो बच्चों मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा है कि साहित्य को जोड़कर अगर शिक्षा को आगे बढ़ाओगे, सुसंस्कारों वाली शिक्षा, अगर बच्चों को चरित्रवान बनने वाली शिक्षा अगर बच्चों को दी जाए तो वो ज्यादा श्रेयस्कर है। अभी एक नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें सारा साहित्य से रिलेटेड पूछा गया। अगर साहित्य जो होता है सबके हित में, साहित्य का मतलब सबके हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, एक अनुरोध है कि साहित्य से जुड़े, अपने देश प्रदेश अपने आसपास में क्या कुछ घटित हो रहा है उसके ऊपर लिखना शुरू करें, लेखक बने अच्छा, और एक लेखक के रूप में, एक लेख रूप में कुछ भी लिखे। विभिन्न समाचार पत्रों में आज कॉलम दिए जा रहे हैं लेखकों के लिए, बाल लेखक के रूप में पुरस्कार भी अकादमियां शुरू कर रही है। अभी हरियाणा सरकार ने भी 14 पुरस्कार बाल लेखकों के लिए शुरू किए जो कि 25 साल से नीचे की आयु के हैं। अगर आप एक किताब लिखते हो तो आपको 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है और सारी उम्र बस का पास, रेल का पास, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो अच्छी बात अलग है। लेकिन एक साहित्य में रुचि होना और साहित्य से जुड़े लोगों के ऊपर लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। आज एक लाइन लिखना बड़ी बात है, 100 लाइन लिख के उसको संपादित करके किताब रूप में प्रस्तुत करना साहित्य कहलाता है और साहित्य सबके हित का होता है। बच्चों मैं लेक्चर ज्यादा बढ़ा नहीं देता क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा आदमी हूँ और देशबंधु जी के ट्रेडिशन पर 26 साल से काम कर रहा हूँ। और देशबंधु जी में जो व्यक्तित्व था उसी व्यक्तित्व के अनुरूप, जैसे वो राइटर थे मैं भी राइटर के रूप में 28 किताबें लिख चुका हूँ हिंदी उर्दू संस्कृत में, जैसे वो पत्रकार थे मैं भी पिछले 25 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। और बड़ी बात यह है कि उनके अखबार जो 1921 में उन्होंने शुरू किया था उसका समाचार संपादक होने का सौभाग्य मुझे पिछले 20 साल से मिला हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो देशबंधु जी थे, जो व्यक्तित्व थे वो बहुत बड़े शख्सियत थे, बहुत ही चरित्रवान व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके बच्चों से मिलना ऐसा था जैसे देश दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलना हो। लेकिन मैं जब भी जाता था 1995 में तो देशबंधु गुप्ता परिवार के लोग आते थे, जरा सी झलक मिलती थी हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जरा सी झलक पाने के लिए उनसे व्याकुल होते थे। लेकिन जब जब देशबंधु जी के ऊपर मैंने कार्यक्रम किया, चाहे प्रधानमंत्री निवास पे किया, चाहे गवर्नर हाउस पे किया, हर प्रोग्राम में पूरी बस भर के उनके परिवार को मैंने हर प्रोग्राम में बुलाया, ये मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। पानीपत की जन्मभूमि में उनको जब जब बुलाया, पानीपत की जन्मभूमि में जब जब उनको बुलाया, किसी के कार्यक्रम में वो कभी नहीं आए। लेकिन मैं एक पानीपत का नन्ना सा दीपक जो करनाल दानवीर राजा कर्ण की नगरी में जन्मा, लेकिन पानीपत को कर्मस्थली बनाया,
मैंने एक संकल्प लिया था, ना सिर्फ देशबंधु गुप्ता की फैमिली आएगी, जब उसके जो दौर के व्यक्तित्व थे उन सभी व्यक्तित्वों को मैंने हर बार कार्यक्रम में बुला। और ये सौभाग्य की बात है कि देशबंधु जी के ऊपर 8 किताबें संस्मरण स्मारिकाएं प्रकाशित हुई, और प्रधानमंत्री जी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हो, सबके साथ मिलने का सौभाग्य अगर मुझे मिला तो मुझे सिर्फ और सिर्फ देशबंधु गुप्ता जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जो मैंने किताब लिखी, जो उसका नाम हुआ और जो उस किताब को दूरदर्शन ने फिल्म बनाई और डाक मंत्रालय ने उनके ऊपर डाक टिकट का रिलीज किया, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप भी एक कैरेक्टर को ले लें जो उसमें आपका दादा भी हो सकता है, आपके परदादा भी हो सकते हैं, आस पड़ोस का कोई कवि व्यक्तित्व हो सकता है जो कविता लिखता है, कोई साहित्यकार हो सकता है, किसी भी व्यक्तित्व को आप लिखना शुरू करेंगे, आपको क्या है? दो कलम उठानी और सीधा लिखना भी ये आपका जन्म कब हुआ, आपकी माता पिता का नाम क्या है, उसके ऊपर आप लेख लिखना शुरू करते हैं, उनके जीवन के सुखद और दुखद अवसर, उनके जीवन में क्या क्या यातनाएं आई, क्या क्या समस्याएं आई, उनका समाधान कैसे किया, आप सच में सत्पुरुष कहलाएंगे और साहित्य लिख पाएंगे। सत्पुरुष का मतलब है कि आपके अंदर जो एक आग है, वो एक दुष्यंत कवि जी ने कहा था, मेरा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये तस्वीर बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, मैंने कहा था। और नारियों के ऊपर भी एक बात की थी कि नर नारी की खान है, नर नारी की खान है, मत करो अपमान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। मैं इस बात कहता हूँ, अपनी बहन बेटियों की इतनी इज्जत करो क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है, अगर घर की लक्ष्मी घर में खाना बनाकर आपको देती है तो उस नारी का जो भी भोजन है चाहे आपको 2 मिनट लेट हो जाए लेकिन आपको इज्जत मान सम्मान के साथ उनको खाना चाहिए। और मेरी माता बहने जितनी भी यहाँ बहने बेटियां हमारी बड़ी बहने बेटी है, एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, जब भी वो किचन में जाए बिना चप्पल के या जिसके सात्विक रूप से सीताराम का जाप करते हुए भोजन करें, क्योंकि उस खाने का असर बच्चों के व्यक्तित्व को होता है, बच्चे अच्छा खाना खाएं संस्कारवान होकर रहे, यही मेरी इस आपके कार्यक्रम में यही मेरी एक प्रार्थना भी है और एक संकल्प भी है। और आज मैं आप सभी को जितने भी NSS के बच्चे हैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और खासतौर पर जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है उन सभी रक्तदाताओं को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका दिया हुआ रक्त हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति के काम आएगा। और इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी को जय हिंद जय भारत। जो विचार रखे हो जिस भी विचार हमारे सामने प्रकट किए ये अंकित पीछे शोर ना करो बच्चे प्लीज। तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, मैं लिटरेचर का आदमी हूँ तो इन्होंने कहा साहित्य जो सबके हित में हो वो साहित्य होता है। एक शब्द की संधि विच्छेद हिंदी में उपलब्ध है, संस्कृत में उपलब्ध है, इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, किंतु संधि विच्छेद से जो शब्दों का अर्थ निकलता है वो किसी और भाषा में नहीं निकलता। इन्होंने देशबंधु गुप्ता जी के जीवन पर, उनके योगदान पर, उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान पर, उनके पानीपत से जुड़े होने के विषय पर, उनके परिवार के विषय पर, पानीपत में ये कॉलेज जो स्थापित हुआ सेक्टर 18 में, इसका नामकरण होने के पीछे की कहानी पर, जिसमें कि उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ये कहा कि पानीपत के फ्रीडम फाइटर हैं और आज के समय जो 75 जो शख्सियतें हमारे देश की हैं उनमें देशबंधु गुप्ता जी का नाम शामिल होना और ये गौरव का विषय है। आप ऐसे कॉलेज से संबंध रखते हैं, ऐसे कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे कॉलेज के प्रांगण में, ऐसे हॉल में, ऐसे बिल्डिंग में आप सभी बैठे इसको महसूस करने की आवश्यकता है। अभी अभी कल नासा ने कुछ समय पहले एक सैटेलाइट जिस पर कि अभी